रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयरथिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर बड़ा उलटफेर किया है। जी हाँ, प्रज्ञानंदा ने सोमवार की सुबह खेली गई बाजी में काले मोहरों से खेलते हुए कार्लसन को 39 चाल में हराया। आपको बता दें कि उन्होंने इस तरह के कार्लसन के विजय अभियान पर भी रोक लगा दी है, जिन्होंने इससे पहले लगातार 3 बाजियां जीती थी। भारतीय ग्रैंड मास्टर के इस जीत से 8 अंक हो गए हैं और वह 8वें दौर के बाद संयुक्त 12वें स्थान पर हैं। पिछले दौर की बाजियों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले प्रज्ञानंदा की कार्लसन पर जीत अप्रत्याशित रही। और आइए अब जान लेते हैं विस्तार से कि कौन है ये आर प्रज्ञानंदा। आपको बता दें कि आर प्रज्ञानंदा ने अपनी बहन के शौक से प्रभावित होकर शतरंज को काफी कम उम्र में ही अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उस उम्र में खेल के गुण सीख लिए जब उनकी उम्र के अधिकतर लड़कों को बच्चा कहा जाता है। आपको बता दें कि मात्र 3 बरस की उम्र में प्रज्ञानंदा इस खेल से जुड़ गए थे, जबकि उनकी बड़ी बहन वैशाली को इसलिए यह खेल सिखाया गया जिससे कि वह टीवी पर कार्टून देखने में कम समय बिताएं। 16 साल के प्रज्ञानंदा अभी भारतीय शतरंज के भविष्य माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में मात्र 10 साल और 6 महीने की उम्र में जब प्रगु यानी दोस्त और कोच उन्हें प्यार से इसी नाम से बुलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बने, तो उन्हें शतरंज में भारत का भविष्य बताया गया। आपको बताते चले कि प्रज्ञानंदा की यह उपलब्धि काफी बड़ी है, विशेषकर यह देखते हुए कि वह विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा के बाद सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने गत विश्व चैंपियन कार्लसन को हराया है। प्रज्ञानंदा की शतरंज यात्रा उस समय शुरू हुई जब अधिकांश बच्चों को पता भी नहीं होता कि वह जीवन में क्या कर रहे हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर भी उनको लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। आपको बता दें कि बैंक में काम करने वाले पोलियो से ग्रसित पिता रमेश बाबू और मां नागलक्ष्मी चिंतित थे कि वैशाली टीवी देखते हुए काफी समय बिता रही है। वैशाली को शतरंज से जोड़ने के पीछे यह कारण था कि उन्हें उनके पसंदीदा कार्टून शो से दूर किया जा सके। किसे पता था कि वैशाली को देखकर प्रज्ञानंदा की भी रुचि जागेगी और वह इस खेल में अपना नाम बनाएंगे। आपको बताते चले कि रमेश बाबू ने याद किया कि हमने वैशाली को शतरंज से जोड़ा जिससे कि उसके टीवी देखने के समय को कम किया जा सके। दोनों बच्चों को यह खेल पसंद आया और इसे जारी रखने का फैसला उन्होंने किया। आगे उन्होंने बातचीत में बताया कि हमें खुशी है कि दोनों खेल में सफल रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हमें खुशी इस बात की है कि वे खेल को खेलने का लुत्फ उठा रहे हैं। नागलक्ष्मी टूर्नामेंट के लिए दोनों के साथ जाती हैं और वह घर पर रहकर उनके मुकाबले भी देखती हैं। रमेश बाबू ने यह भी कहा कि इसका श्रेय मेरी पत्नी को जाता है जो उनके साथ टूर्नामेंट के लिए जाती हैं और काफी समर्थन करती हैं। वे दोनों का काफी ख्याल भी रखती हैं। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि महिला ग्रैंड मास्टर 19 साल की वैशाली ने कहा कि शतरंज में उनकी रुचि एक टूर्नामेंट जीतने के बाद बढ़ी और इसके बाद उनका छोटा भाई भी इस खेल को पसंद करने लगा। उन्होंने ये कहा कि जब मैं 6 साल के आसपास की थी तो काफी कार्टून देखती थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं टेलीविजन से चिपकी नहीं रहूं और उन्होंने मेरा नाम शतरंज और ड्राइंग की क्लास में लिखा दिया। आपको ये बता दें कि चेन्नई के प्रज्ञानंदा ने सन 2018 में प्रतिष्ठित ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल किया। जी हाँ, वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और उस समय दुनिया में दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। प्रज्ञानंदा सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर की सर्वकालिक सूची में 5वें स्थान पर है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने उनका मार्गदर्शन किया। ग्रैंड मास्टर बनने के बाद से प्रज्ञानंदा ने लगातार प्रगति की, लेकिन इसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट रुक गए। आपको ये भी बताते चले कि स्वयं ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा के कोच आरबी रमेश का मानना है कि टूर्नामेंट के बीच लंबे ब्रेक से संभवतः उनका आत्मविश्वास प्रभावित हुआ, लेकिन एयरथिंग्स मास्टर्स ऑनलाइन प्रतियोगिता में कार्लसन के खिलाफ जीत से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा। वैशाली इस बात को लेकर के कहती हैं कि प्रज्ञानंदा को क्रिकेट भी पसंद है और उसे जब भी समय मिलता है तो वह मैच खेलने के लिए जाता है। तो इस तरह प्रज्ञानंदा ने देश का मान बढ़ाया है। आपको इसको लेकर के क्या कहना है। अपनी राय और प्रतिक्रिया और अपनी शुभकामनाएं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।